सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, देश भर के लगभग 60 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है और वह खबर यह है कि पेंशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का पेंशन नहीं रोका जाएगा। तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अब जरूरी नहीं है। यह जानकारी कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। हाल ही में ही स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसी की 30वीं बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान मंत्री जी ने कहा कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है जिसमें तकनीक के जरिए बिना बैंक जाए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराया जा सकता है। तो यह फैसला है जो इस समय आया है कि जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ रिटायर्ड कर्मचारी बैंक और आधार कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके दौरान मंत्री जी ने अब यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है और उन्हें जो पेंशन है वो बिना आधार कार्ड के भी दिया जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आधार कार्ड को सरकार ने हर एक जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसका लाभ लेने के लिए कंपलसरी कर दिया है, लेकिन आधार कार्ड के जो पेंशन प्राप्ति के लिए अभी भी ये कंपलसरी नहीं है। यदि आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं है तब भी आपको पेंशन देने से कोई भी बैंक मना नहीं कर सकती। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा भी समय समय पर कई बार आदेश जारी किए गए हैं और उसका वीडियो भी हमने चैनल पर डाला हुआ है। यदि आपको कोई बैंक अभी भी आपका पेंशन भुगतान करने से मना करती है तो आप वो कॉपी भी बैंक वालों को दिखा सकते हैं और वो कॉपी यदि आपको चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आपकी ईमेल आईडी जो है वो भी आप हमें अपने जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख दीजिए, उसको आपको भेज दिया जाएगा। उसके साथ में यहाँ पर मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो न्यूनतम पेंशन है उसको बढ़ाकर अब 9000 रुपये कर दिया गया है। साथ में ही जो ग्रेचुटी की सीमा है उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है कि अब जो टैक्स फ्री ग्रेचुटी है वो 20 लाख रुपये तक रहेगी। साथ में ही जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है जो कि पेंशनर्स को दिया जाता है उसको भी बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया गया है और जो कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस था उसको भी 4500 रुपये से बढ़ाकर अब 6750 रुपये हर महीने कर दिया गया है और ये जो सारी रेट हैं वो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो चुकी हैं। दोस्तों, सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा ये स्टेप लिया गया है और ये स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी पेंशन भोगी को उसका पेंशन प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और नया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का आइकन दिया गया उसको आप प्रेस कर दीजिए जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।